आ जाओ माँ। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ खास नहीं माँ, बस ऐसे ही। तू यही सोच रहा है ना, दो बेटियों का खर्च कैसे चलाएगा? हाँ माँ, वो तो मैं संभाल लूंगा, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि संध्या कितनी समझदार बच्ची है। पहले तो भगवान ने उसके माँ बाप को अपने पास बुला लिया, अब उसके चाचा चाची ने उसका सारा सब कुछ हड़प लिया है। उसकी जायदाद, जो पैसे उसके माँ बाप उसके लिए छोड़कर गए होंगे, वो सब कुछ हड़प लिया है। अरे भगवान भी कुछ सोचता नहीं है। माँ, ऊपर वाले ने ये क्यों नहीं सोचा कि वो क्या करेगी? बेटा, वो जो कुछ भी करता है सोच समझ के ही करता है, वो हमें मजबूत बनाता है। उसने सोचा था तभी तो उसने माही को संध्या का दोस्त बनाया। उसने सोचा था माही को भी एक दोस्त के रूप में बहन मिल जाएगी और संध्या को घर वाले। हाँ माँ, मतलब हम जो सोचते हैं भगवान वो हमसे पहले ही सोच लेता है। अच्छा माँ, मुझे काम है थोड़ा सा, मैं बाहर का काम निपटा के आता हूँ, ठीक है? अच्छा माँ। दीजिए, आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं सफाई कर रही हूँ। जितनी सफाई करते हैं इतना ही लक्ष्मी का वास रहता है घर में। दादी, आज से घर के सारे काम मैं करूंगी, आप नहीं, आप बस आराम करोगी। पर तुम्हें तो ये सब काम करने की आदत भी नहीं होगी ना, और तुम्हारे यहाँ तो घर में नौकर आते होंगे ना। हाँ दादी, आते तो थे, पर वो समय और था और ये समय और है। और दादी, माही ने मुझे बताया है कि समय के साथ जीना आना चाहिए। बेटा, तुम जाओ पढ़ाई कर लो, मैं कर लूंगी। दादी, जब माही इतनी छोटी होकर सारे काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं तो उससे बहुत बड़ी हूँ। लाओ दादी जी, मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम कर लो। तुम भी माही की तरह बिल्कुल जिद्दी हो। दादी, जिस जिद को करने से बड़ों की तकलीफ कम होती है, उस जिद को कर लेना चाहिए। क्या बातें हो रही हैं? बेटा, ये तुम्हारी संध्या दीदी सफाई के लिए जिद कर रही है। हाँ दादी, मैं और संध्या दीदी कर लेंगे, आप जाकर आराम करो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे, खुश रहो। लाओ दीदी, ये मैं कर लेती हूँ, आप कुछ और कर लो। ठीक है माही। Tere paas
देखो इसको ऐसे बजाते हैं। सुनो सुनो जो कान्हा थे ना, सुनो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगी बांसुरी। मेरा कान्हा इधर आओ, इसको दो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, लाओ मैं गेरू। देखो जो कान्हा थे ना, है ना, वो देखो ऐसे पकड़ते थे बांसुरी, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते, देखो देखो इधर तो देखो क्या हुआ, देखो ऐसे पकड़ते थे। इधर आओ बाबू, सुनो तो। अच्छा विराट इसको ना देखो, को पहले मेरी पूरी बात सुनो आप। यो मेरा प्यारा बाबू, मानना नहीं। अच्छा सुनो, लो लो लो, कौन सी लोगे, कौन सी लोगे? एक उसको वो दो। चलो अच्छा आप मुकुट नहीं पहन रहे, चलो मैं ही पहन लूं। नहीं पहनना आपको, फिर अगर ये फेंक दोगे तो खेलोगे कैसे, चिड़िया ले जाएगी। नहीं माही, कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकी नहीं सजाती? सजाती थी दीदी, पर अब नहीं। अब क्यों नहीं सजाती? वो दीदी मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए। अरे कहाँ बड़ी हो गई हो, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। अच्छा माही हम एक काम करें, जैसे हर बार तुम झांकी सजाती थी, इस बार हम दोनों मिलकर सजाएं। हाँ दीदी बहुत मजा आएगा। हाँ चलो सजाते हैं। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। क्या वो माही, कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ हेल्प करूं? जी दीदी वो मेरा एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बस इतनी सी बात, लाओ मैं समझाऊं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कंपाउंड्स को ना थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाई और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। मीन्स एन एसिड इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड एंड बेस। अगर हम इंडिकेटर को बेस और एसिड में पुट करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाएगा। ओके, द टू मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स आर लिथमस एंड मिथाइल ऑरेंज। लेकिन माही ये तो 10th का सिलेबस है और तुम तो 9th में हो, तो तुम 10th का सिलेबस क्यों पढ़ रही हो? जी दीदी वो मेरी एक 10th क्लास की फ्रेंड थी, तो मैंने उनसे उनकी बुक ले ली थी और फ्री टाइम में मैं 10th की स्टडी करती रहती हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड माही, चलो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, लिथमस इज वेरी मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। जो लिथमस है वो एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है। ओके, एंड टर्मरिक इज ऑल्सो अ कॉमन इंडिकेटर एंड अ नेचुरल इंडिकेटर।